अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास ख़ान। इस वक्त मौजूद हूं गार हीरा के करीब। हम जा रहे हैं। कितने का है? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं ऊपर इंशाल्लाह। हम तकरीबन यहाँ से जाने का ये वक्त एक घंटे तक या इससे कुछ तकरीबन 50 मिनट ऊपर भी लग सकता है। आने से पहले आप जहाँ से टैक्सी बुक करेंगे तो टैक्सी वाले से ये बात तय कर लें कि हमने ऊपर इस पॉइंट पे उतरना है। यहाँ अगर आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ आने तक आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और यानी वो जो आगे से इसकी बनी हुई हैं सीढ़ियाँ, वो तो आपको उस यहाँ से ये जो सामने नज़र आ रहा है यहाँ से चढ़ते हुए आपको यहाँ से टाइम तो लगेगा, लेकिन पिछला जो है टैक्सी वाला अगर पीछे उतार देता है तो आपको मज़ीद यहाँ तक आना पड़ेगा। इस मुश्किल तरद्दुद से बचने के लिए टैक्सी से पहले ये बात तय कर लें टैक्सी वाले से, जहाँ मक्का से आप निकलें कि भाई हमें इधर ऊपर छोड़ना है आखिरी स्टॉप पर इस जगह पर, ठीक है। यहाँ जब ये हर किसी को ये बात पता नहीं होती इस जगह पे उतारेगा तो आपको आपके 10-15 मिनट वो जो बच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वो पीछे इसलिए उतार देते हैं कि आगे हमारी गाड़ी नहीं जाती, इसलिए 100 मसाइल है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह यहाँ रास्ते में लोग पानी भी सेल करते हैं। ये भाई शिकंजीन बना के जो है ना पाकिस्तानी भाई हैं, तो ये सेल कर रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बंदा जो नौजवान है उनको तो नहीं इतना महसूस होता, लेकिन जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं लेकिन हिम्मत वो भी करते हैं, यहाँ हिम्मत आ ही जाती है माशाल्लाह। बहुत ही बड़ी उम्र के लोग भी जाते हैं। वो सामने जो है क्लॉक टावर नज़र आ रहा है यहाँ रास्ते से। अभी हम आधा रास्ता कर चुके हैं, इंशाल्लाह अभी आगे सफ़र शुरू करते हैं। ये नीचे का जो शहर है वो नज़र आ रहा है आबादी, यहाँ से हम आए हैं। ये नीचे वाली रोड है। जी नाज़रीन, तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी रास्ता हो चुका है, ये देखें हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और सफ़र रवां दवां है। पानी आपके साथ होना चाहिए गर्मी में, आज गर्मी भी बहुत है। कितने का है? ठीक। बाबा जी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। इस पहाड़ को जबले नूर और जबले इस्लाम भी कहा जाता है। मक्का अल मुकर्रमा से 7 किलोमीटर के फासले पर ये पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में इबादत किया करते थे। इस पहाड़ के ऊपर गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है नीचे ये रास्ता सामने। अभी हम ये तकरीबन पास ही हैं। रास्ते में ये छोटी सी जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ से पानी जूस वगैरह मिलता है। जो ऊपर जाने वाले ज़ायरीन हैं यहाँ से पानी वगैरह लेते हैं और कुछ नीचे से अपने साथ लेकर आते हैं। अभी मैं ये पहाड़ के टॉप पे आ गया हूँ। यहाँ से नीचे जाकर थोड़ा सा तो गार आपको नज़र आएगा। गार का रास्ता बहुत तंग है, जाने का रास्ता एक तरफ से है और वापसी का रास्ता दूसरी तरफ से है।
जहाँ से एक ही बंदा तकरीबन गुज़र सकता है। आज यहाँ बहुत रश है क्योंकि कोरोना के बाद कुछ टाइम के बाद ये ओपन हुए थे उम्रे, इस वजह से बहुत से लोग सुबह सुबह ही यहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। ये लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं, अंदर चलते हैं अभी घर में। जी नाजरीन, तो यहाँ बहुत ही रश है, बहुत ही टाइम के बाद नंबर आता है अंदर जाने का। ये देख लें, काफ़ी रश लगा है। तो अभी हम भी अपने नंबर आने पे अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, तो मौका मिला तो अंदर का भी रिव्यू आपको करवाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।